और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, आपको बताएं 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे एन पहले एक बार फिर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से तेज हो गया। आपको बता दें मनीष सिसोदिया जिनके खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर बीते दिन भी लगातार सुर्खियां चल रही थी, जांच के लिए दिल्ली सचिवालय सीबीआई की टीम पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर इससे पहले ही आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मुखर रही है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और सीधे सीधे कह रही है कि उनके इशारे पर सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन जांच के लिए टीम सीबीआई की दिल्ली सचिवालय पहुंची है। टॉक टू ए के कार्यक्रम में गड़बड़ी के आरोप और इसी मसले की जांच को लेकर सीबीआई पहुंची है, जबकि मनीष सिसोदिया इससे पहले ही एक ट्वीट कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई का वो इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में रिश्तों का समीकरण कितना बिगड़ा हुआ है बताने की जरूरत नहीं। अदावत के इस खेल में अब नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सिसोदिया के खिलाफ जांच दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में गड़बड़ी को लेकर शुरू हुई है। आप वजह पीएम मोदी और बीजेपी को मान रही है। जानकारी के मुताबिक सतर्कता विभाग की शिकायत पर सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने टॉक टू एके को प्रमोट करने के लिए मशहूर जनसंपर्क कंपनी के कंसल्टेंट की सेवा ली, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आरोपों के हिसाब से प्रधान सचिव की आपत्ति के बावजूद दिल्ली सरकार ने कंसल्टेंट पर पैसा खर्च किया, जिससे दिल्ली सरकार के खजाने पर बोझ पड़ा। सूत्रों की माने तो 4 जनवरी को शुंगलू कमेटी के आधार पर 7 मामले सीबीआई के पास आए हैं, जिनमें एक मामला सिसोदिया का भी था। केजरीवाल ने भी सीबीआई जांच को लेकर पीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी जी रिश्वत खाओ खुद और केस करो हम पे, फिलहाल बीजेपी के अगले हमले का इंतजार है। दिल्ली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।